90 दशक में छपी उस पुस्तक का नाम है वेब ऑफ लाइफ, वेब ऑफ लाइफ, जीवन का जाल। और उस पुस्तक का प्रारंभ वो करता है फ्रिट्ज़ कैपरा कि कल्पना कीजिए कि किसी जंगल में आप गए हो और चारों तरफ का दृश्य कितना अद्भुत है, विविधता से नटा हुआ संसार, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष, बड़े बड़े ऐसे वृक्ष की जिनके तनों को आप अपने हाथों से घेर नहीं सकते, इतने बड़े बड़े वृक्ष, और उन्हीं वृक्षों के ऊपर लिपटी हुई नाजुक सी लता वल्लिया जिनका तना कुछ मिलीमीटर भी नहीं होगा, कितने प्रकार के तो रंग होंगे, कितने प्रकार के हरे रंग की छटाएं मिल जाएगी, हरा रंग कितनी छटाओं में अभिव्यक्त हो रहा होगा, फल फलों की और पुष्पों का रंग ले लिया जाए तो सारे ही दुनिया के रंग विद्यमान, ऐसा विविधता से नटा हुआ जंगल कितना सौंदर्य प्रकट करता है। फिर जब कांकरा आगे बात कहता है इस विविधता का, इस सौंदर्य का वर्णन करने के बाद वो कहता है कि आप कल्पना करो साथियों कि आप इसी विविधता से भरे जंगल को और जमीन के अंदर, भूमि के अंदर से 20 फुट नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। अब आपको क्या दिखेगा, कल्पना करके देखिए, नीचे से जंगल को आप देख रहे हैं, आपको क्या दिखेगा, चारों तरफ बिखरे हुए जड़े ही जड़े दिखाई देगी, जड़ों का जाल ही दिखाई देगा, रूट्स एंड रूट्स एवरीवेयर, इंटरट्विंगल, आपस में फंसे हुए, आपस में उलझे हुए, गुथे हुए, और उन जड़ों को देखकर मैं आप में से कोई नहीं बता सकेगा कि कौन सा महान वटवृक्ष की जड़ है और कौन सी छोटी सी वल्ली की जड़ है, क्योंकि वो सारी की सारी जटे एक ही जीवन रस से पोषित होकर के उस विविधता को पोषित कर रही है। वैसे इस अद्वितीय संसार के नीचे वह एकत्व, जिसको कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई कुछ भी कहे, वह एकमात्र एकत्व विद्यमान है। यह उपनिषदों का दूसरा सत्य, मैंने कहा था ना क्रम, इसीलिए मैंने बदला था। पहला सत्य यह है कि सारा संसार वह एक ही ब्रह्म है, और दूसरा सत्य यह है कि यह एकत्व जब संसार में प्रकट हुआ उसके लिए उपनिषद का मंत्र है एको हम बहु श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाता हूं। एक दिन उसको लगा कि थोड़ा खेल खेल लिया जाए, तो कैसे खेले, तो वह बहुत हो गया, और जब बहुत हो गया तब ऐसे विविधता से, अद्वितीयता से अपने आप को प्रकट उसने किया। तो एकत्व और नानात्व इसको समझना पड़ेगा, जड़ में एकत्व, प्रगतिकरण में नानात्व। इसलिए हमारी अद्वितीयता तभी तक अद्वितीय है जब तक उस एकत्व के साथ जुड़ी हुई है। तीसरा सिद्धांत यहां पर आता है, उपनिषद का तीसरा सिद्धांत है पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत। ये सारी की सारी बातें आप फिजिक्स सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए सोमस्वामी जी ने कहा लाइन पे आ गया, कल जितात्मानंद जी ने प्रूव कर दिया कि लाइन पे आ गया। उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी और बोसॉन, हिगिन बोसॉन के बारे में बात नहीं की, मैं बाद में पूछने वाला था स्वामी जी क्यों छोड़ दिया इन दोनों को, ये तो और आगे जाकर के इसी बात को सत्य कर रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिक उसको उल्टा बताने की कोशिश कर रहे कि गॉड पार्टिकल हमको मिल गया, लेकिन आप जाकर के व्यवस्थित ढंग से हिगिन बोसॉन की थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस एकत्व और नानात्व के संबंध को प्रकट करने का जो तीसरा उपनिषदों का नियम है, उस नियम को आज का विज्ञान सिद्ध कर रहा है। तीसरा नियम है कि जो एकत्व अपने आप को विविधता में प्रकट कर रहा है, वह नाना रूपों से अद्वितीयता से प्रकट होने वाला संसार आपस में और इस एकत्व के साथ सतत जुड़ा हुआ है, वो एक दूसरे से अलग हो नहीं सकता, और इसका संबंध जैविक है, जैविक संबंध है, यह यांत्रिक संबंध नहीं है। यांत्रिक संबंध और जैविक संबंध में क्या फर्क है, यह माइक एक यंत्र है, इस माइक में ये वायर जुड़ी हुई है, ये वायर का इस माइक में जुड़ना यह यांत्रिक संबंध है, और आपकी उंगली का आपके पंजे से जुड़ना यह जैविक संबंध है। वायर को अलग किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उंगली को करने की कोशिश मत करना क्योंकि उंगली का जीवन समाप्त तो हो जाएगा। शाखा यदि वृक्ष से कट गई, शाखा यदि वृक्ष से कट गई तो वो जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही हम यदि स्वयं को समष्टि से काट लेते हैं अपने स्वार्थ के खातिर तो हमारा जीवन शून्य हो जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का वाक्य, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव, जो औरों के लिए जीते वही केवल जीते, अन्यथा तो सब कोई मृत प्राय मात्र है। हम अपने अंदर झांक करके देख ले हम कितना औरों के लिए क्या काम करते हैं, 24 घंटे में एक मिनट भी किसी के लिए सोचने की संवेदना हमारे मन में जगती है क्या? इसलिए इस बात को हमको समझना पड़ेगा। यह जो है इन तीनों सिद्धांतों को जीवन में उतारने का नाम भारत में विज्ञान है, इनको समझना ज्ञान है।
बाहर में दिखने वाली दृश्यमान नानात्व के अंदर छिपे हुए एकत्व को, बड़ा कठिन सा लग रहा है लेकिन बहुत सरल सी बात है, बाहर में जो विविधता भरा फ्रिज ऑफ कांगरा का जंगल दिख रहा है, उस जंगल के नीचे के जड़ों के जाल को समझना यह ज्ञान है। एकत्व की खोज यानी ज्ञान, नॉलेज इज द सर्च ऑफ यूनिटी, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। स्वामी विवेकानंद आगे जाकर के ज्ञान योग पर प्रवचन में एक जगह पर बोलते हुए कहते हैं, आखिर विज्ञान भी क्या कर रहा है, एक रसायन शास्त्री की सबसे बड़ी खोज क्या होगी यदि वह उस मूलभूत एलिमेंट को, उस मूलभूत द्रव्य को खोज ले जिस एक द्रव्य से सारी सृष्टि की रचना का ज्ञान हो जाए। उस एक की खोज के लिए तो रसायन शास्त्री काम कर रहा है। उस समय जिस समय मेंडलिफ का टेबल इतना प्रसिद्ध भी नहीं हुआ था, उस समय स्वामी जी ये बात कर रहे थे। और आइंस्टाइन ने अभी अपनी थ्योरी देने में 6 वर्ष बाकी थे 7 वर्ष बाकी थे, उस समय स्वामी विवेकानंद ये बात बोल रहे हैं कि जड़ और चेतन का परस्पर संबंध जानना विज्ञान का काम है, और उसके बीच के एकत्व को खोजना, ऊर्जा के एक समान स्रोत को खोजना, यह भौतिक शास्त्र का अंतिम उद्देश्य होगा। इसलिए एकत्व की खोज ज्ञान है। आइंस्टाइन से बहुत पहले स्वामी विवेकानंद ने पूरा का पूरा E=mc² वैसे के वैसे दिया है। स्वामी विवेकानंद का ज्ञान योग पर दिया हुआ भाषण है, द आइडियल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन, कैलिफोर्निया में दिया था, उस भाषण को आप पढ़िए। उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे उपनिषदों में बताया गया, किसी भी जड़ वस्तु को, शब्द सुनिए, किसी भी जड़ वस्तु को यदि प्रकाश की गति से आप फेंकने में, प्रक्षेपित करने में सफल हो जाओ तो वह वस्तु ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जड़ ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है प्रकाश के गति से फेंकने से, C² एनर्जी मास C² तीनों बातें स्वामी विवेकानंद ने आइंस्टाइन से बहुत पहले बता दी थी। मैं आइंस्टाइन का क्रेडिट नहीं खा रहा हूं, उसने स्वामी विवेकानंद को सुना नहीं होगा शायद, उसने खुद होकर के उस बात को, क्योंकि सत्य तो सत्य है, कोई भी उसके पास पहुंच सकता है, अलग अलग तरीके से पहुंच सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का विज्ञान वह भारत का विज्ञान है, एकत्व की खोज ज्ञान और विविधता में उसका प्रयोग विज्ञान। बात समझिए, एकत्व की खोज ज्ञान और विविधता में उसका प्रयोग विज्ञान, इसलिए विविधता का एकत्व से जो संबंध है, इस संबंध को समझने की दृष्टि को भारत में वैज्ञानिक दृष्टि कहते हैं, जिसको कि मैंने बताया कि यह जैविक संबंध है। सारी सृष्टि एक दूसरे से जैविक रूप से जुड़ी है। आज से 3 साल पहले मैक्सिको में, अमेरिका के उधर मैक्सिको में कोई ऑयल टैंकर स्पिल हुए थे, ऑयल टैंकर में रिसाव हुआ था और इस रिसाव के कारण वहां के समुद्र के अंदर के समुद्री जीव मर गए थे। आप लोगों में से जिन लोगों को पर्यावरण में रुचि होगी, उन्होंने यदि इंटरनेट पर इस खबर को पीछे पढ़ करके देखा होगा तो उनको पता चला होगा कि 6 महीने के अंदर वैज्ञानिकों को पता चला कहां मैक्सिको है, गोला देख करके देख लीजिए कितना दूर है, कहां मैक्सिको, उस मैक्सिको में ऑयल का रिसाव, तेल का रिसाव होता है और उसके कारण अंडमान के कोरल्स, अंडमान में जो कोराल का बहुत बड़ा जंगल है, उस कोराल के ऊपर असर पड़ता है और वहां का पर्यावरण नष्ट होता है। यह सारी सृष्टि अंदर से कैसे जुड़ी हुई है। काटा पैर में चुभता है और आंसू आंखों में आते हैं, पैर कितना दूर है लेकिन काटा वहां चुभने से यहां आंसू क्यों आते हैं, क्योंकि इसका अंगांगी जैविक संबंध है, अंगांगी संबंध है, एक अंग का दूसरे अंग से, वैसे सृष्टि का संबंध है। इसको समझना वास्तविक विज्ञान है। आज का आधुनिक विज्ञान इस बात से कितना दूर चला गया और इसके कारण वह प्रकृति का विकास करने की जगह प्रकृति का विनाश कर रहा है। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि भारत की जनता में यह वैज्ञानिक दृष्टि फिर से विकसित हो और उसके लिए उन्होंने प्रेरित किया। मैंने इसको जरा खोल दीजिए, मैंने बताया था कि स्वामी विवेकानंद ऐसा पारस है, उन्होंने जिसको स्पर्श किया उसका जीवन बदल गया। मैंने यह भी बात कही थी कि भारत में औद्योगिक क्रांति को प्रारंभ करने वाले स्वामी विवेकानंद, मैंने यह भी बात कही थी कि स्वामी विवेकानंद ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की बात प्रारंभ की। उस बात को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, 2-3 छोटे छोटे प्रसंग मैं बताऊंगा, वो चल रहा है, उससे पहले दूसरा आगे का बता दूं। पहला ये था, लेकिन ये खुल रहा है तब तक मैं आगे के 2 बता दूं। विज्ञान है 1900 में, तकनीक है, ये विज्ञान है तकनीक, प्रौद्योगिकी, अभी तो उस विषय पर आए हैं, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी तो इसने इस आधुनिक युग की पिछले 50 वर्षों की विश्व को देन है प्रौद्योगिकी। हम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे, विज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे। विज्ञान तो स्थिर हो गया, मार्कोनी के बाद विज्ञान ने बहुत प्रगति नहीं की। मार्कोनी के बाद विज्ञान केवल थ्योरेटिकल फिजिक्स में चला गया। व्यावहारिक जगत में तो रेडियो वेव्स के आने के बाद, मोबाइल के आने तक केवल टेक्नोलॉजी बढ़ी है, विज्ञान कहीं आगे नहीं बढ़ा।
वायरलेस कम्युनिकेशन ये विज्ञान था। उस वायरलेस कम्युनिकेशन का जो एप्लीकेशन है वो तो केवल प्रौद्योगिकी है, केवल प्रौद्योगिकी में चल रहा है क्योंकि व्यापार उसमें, व्यापार प्रौद्योगिकी में है, व्यापार विज्ञान में नहीं। इसलिए विज्ञान को दबा करके प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। उस बात पर अपन बाद में जाएंगे। स्वामी विवेकानंद का प्रभाव देखिए भारत की विज्ञान की बात पर। स्वामी विवेकानंद अब आ गया तो इसी से शुरू करते हैं क्रमशः। स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को बंबई से रवाना हुए पेनिनसुलर नाम के जहाज पर बैठकर, उनका पहला पड़ाव जापान था और जापान तक के उनके प्रवास में उनके जहाज पर उनके साथ में जमशेद जी टाटा थे। उस पेनिनसुलर जहाज ये टाटा का लिखा हुआ पत्र है स्वामी विवेकानंद को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया। जमशेद जी टाटा स्वामी विवेकानंद के साथ उस जहाज पर थे। उसका रेफरेंस उन्होंने दिया कि मैं आपके साथ को ट्रेवलर था, ये आपको याद आ रहा होगा, पहली लाइन वही है। स्वामी विवेकानंद के साथ जमशेद जी टाटा उस जहाज पर बैठे थे और रोज शाम को बैठ करके डेक पर इनकी बातें चलती थी और स्वामी विवेकानंद के ज्ञान से वो बड़े प्रभावित हुए। उस बातचीत के दौरान दो बातें निकली जिन दो बातों का संबंध भारत के नवोत्थान के साथ सीधा सीधा है। टाटा जो जा रहे थे जापान में, वो जापान से मिश्रित धातु की तकनीक सीखने के लिए जा रहे थे, प्रौद्योगिकी सीखने के लिए जा रहे थे, अलॉय टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए जा रहे थे। लोहे को फौलाद में परिवर्तित करने की कोई नई तकनीक जापान ने विकसित की थी, उसको सीखने के लिए मैं जा रहा हूं, ऐसा जमशेद जी टाटा ने स्वामी विवेकानंद को कहा। स्वामी विवेकानंद ने जमशेद जी टाटा को दो प्रेरणाएं दी। एक तो उन्होंने कहा कि उनसे सीखना है वो तो सीखो, सीखना तो सारी दुनिया से चाहिए। आओ भद्र कृतवो यंत विश्वता, जो जो मंगलकारी है उस ज्ञान का तो हम सबोर से स्वागत करते हैं। इसलिए ज्ञान के मामले में स्वदेशी विदेशी कुछ नहीं होता, किंतु स्वामी विवेकानंद स्वदेशी मूवमेंट के जनक किस प्रकार से थे। लोकमान्य तिलक को भी स्वदेशी की प्रेरणा उन्होंने ही दी थी, वो विषय अलग है, वो राजनीतिक नवोत्थान का विषय। वैज्ञानिक स्वदेशी की बात स्वामी विवेकानंद जमशेद जी टाटा को कहते हैं। वो जमशेद जी टाटा उनको बता रहे कि जापान की कंपनी मुझे कह रही है कि आप भारत से लोह अयस्क आयरन ओर, आजकल की पीढ़ी के लिए बीच बीच में अंग्रेजी में बता देता हूं, समझ में भी आना चाहिए ना, लोह अयस्क को ले जा करके आप जापान में ले आइए, वहां हम उसका फोला स्टील बना देते हैं, फिर उसको भारत में जाकर के बेचिए। और टाटा ने कहा कि शायद इसमें पैसे बचेंगे, इसलिए मैं अपनी फैक्ट्री जापान में लगाने का सोच रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने उनको कहा बिल्कुल नहीं। स्वामी विवेकानंद ने उनको दो प्रेरणाएं दी। एक तो बात कहा कि इस प्रकार कच्चे माल को ले जा करके और पक्का माल भारत के बाजार में लाना, इससे भारत में दरिद्रता बढ़ी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा अंग्रेजों ने यह काम शुरू नहीं किया था, तब तक भारत में भिखारी नहीं था, कोई भूखमरा नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने यह बात जमशेद जी टाटा को बताई। स्वामी विवेकानंद ने कहा इसलिए भारत के अंदर ही लोहे का आपका उद्योग लगना चाहिए। इसलिए आज जो झारखंड में जमशेदपुर दिखाई देता है उसके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद है। और आज यदि लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग के रूप में, फौलाद के राजा के रूप में विश्व में जाना जाता है, तो उसके पीछे की वास्तविक प्रेरणा स्वामी विवेकानंद है। इसलिए औद्योगिक नवोत्थान भारत में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया। दूसरी बात जो चर्चा के दौरान आई, स्वामी विवेकानंद ने कहा आज आप जापान जा रहे हो फौलाद सीखने के लिए। स्वामी विवेकानंद ने उनको बताया जो बात बाद में 1970 में जिस समय डॉक्टर धर्मपाल महात्मा गांधी के शिष्य इंडिया हाउस में जाकर के लंदन में जाकर के अनुसंधान करते और वहां मिले हुए दस्तावेजों के आधार पर पुस्तक लिखते और पुस्तक में वो लिखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया इन 18th and 19th century, पढ़ने लायक पुस्तक है, आप में से प्रत्येक को पढ़नी चाहिए, इंटरनेट पर उपलब्ध है, samanvay.org इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, samanvay.org/dharmpal कीजिए या धर्मपाल के नाम से गूगल सर्च कीजिए, मिल जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया इन 18th and 19th century, धर्मपाल जी की पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने पढ़ी नहीं थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद को ज्ञान था। मैकॉले का पढ़ाया हुआ, विलियम जोन्स और जनरल टॉड का बताया हुआ इतिहास पढ़ करके भी स्वामी जी की इतिहास दृष्टि ऐसी थी कि वो उसको भेद करके पीछे का देख सकते थे। वो जमशेद जी टाटा को बता रहे अलॉय टेक्नोलॉजी मिश्र धातु की तकनीक, विश्व की सबसे उन्नत स्टील बनाने की तकनीक भारत में, भारत के गांव में। स्वामी विवेकानंद ने जमशेद जी टाटा को बताया, इसलिए भारत के अंदर उसको खोजो। और उसके लिए स्वामी विवेकानंद ने उनको कहा कि भारत में
वैज्ञानिक अनुसंधान का एक प्रगत केंद्र खोला जाना चाहिए, जो इस पत्र में जमशेदजी टाटा ने लिखा है कि आपके कहे के अनुसार मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की स्थापना कर दी है, अब आप आकर के यहाँ डायरेक्टर बन जाइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा एक इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट करने के लिए समय नहीं, सारे देश को डायरेक्ट करना है, सारे देश को डायरेक्ट करना। लेकिन उन्होंने प्रफुल्ल चंद्र रॉय को भेजा, भारत के भौतिक विज्ञानी पीसी राय है, और उसके कारण आज भारत का सर्वोत्तम विज्ञान अनुसंधान के केंद्र में से एक बेंगलोर का वो आईआईएससी बना हुआ है। वहां यदि आईआईएससी बेंगलोर में कभी आपको विजिट करने का मौका मिला तो वहां के रिसेप्शन में, स्वागत कक्ष में ये पत्र लगा हुआ आपको मिलेगा, एक तरफ टाटा का और एक तरफ स्वामी विवेकानंद का चित्र, और ये पत्र उसी की वेबसाइट में से ये पत्र मैंने डाउनलोड किया आपको यहां पर दिखाने के लिए। स्वामी विवेकानंद ने विज्ञान अनुसंधान की प्रेरणा दी, केवल जमशेदजी टाटा कोई नहीं, जगदीश चंद्र बसु जो भारत का माना हुआ नाम है वैज्ञानिकों के रूप में, जगदीश चंद्र बसु को जीवन दान देने वाले स्वामी विवेकानंद थे। हम में से बहुत कम लोगों को यह ज्ञान होगा कि सन 1900 में, जिस समय उस शती का परिवर्तन हो रहा था, जैसे सन 2000 में मिलेनियम के नाम से बड़े कार्यक्रम हुए थे, सन 1900 में शताब्दी के परिवर्तन पर, 20वीं शताब्दी आ रही है, उसके स्वागत के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हुए। उस समय पेरिस के अंदर एक विज्ञान विश्व विज्ञान परिषद का, इंटरनेशनल साइंस वर्ल्ड साइंस कॉन्फ्रेंस का, वहां पर विश्व विज्ञान परिषद का वहां पर आयोजन किया गया था पेरिस में। वहां स्वामी विवेकानंद को कीनोट एड्रेस देने के लिए, बीज भाषण देने के लिए बुलाया गया। विज्ञान की परिषद जिसमें सारे विश्व के वैज्ञानिक एकत्रित होने वाले थे, उस विज्ञान परिषद में स्वामी विवेकानंद ने विज्ञान के उद्दिष्ट, विज्ञान का लक्ष्य, विज्ञान की दृष्टि और मानवता, इसके ऊपर अपना बीज भाषण दिया था। और एक बात चलते चलते बता दूं, स्वामी विवेकानंद वहां पर फ्रेंच में बोले थे, स्वामी विवेकानंद को फ्रेंच